गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू इंजीनियर सड्डा। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे सेशन में। वेरी गुड आफ्टरनून। सो कैसे हैं आप सभी लोग? हाँ जी, कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी जल्दी से लाइव आ जाओ सब लोग फटाफट से, और फिर शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। देखते हैं जरा आज कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपकी एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से। अच्छा जी, बहुत देर हो गई इंतजार करते। आई थिंक मैं 2 मिनट ही लेट हूँ, इतना तो चलता है ना। ओके, अमोल यादव गुड मॉर्निंग, बुलेट राजा, सैमसम संजीव, वीर पीयूष, संजीव, गीता सिंह, वेरी गुड आफ्टरनून। सो शुरू किया जाए। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं, बिंदास हैं, और इसी उम्मीद के साथ में सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं, ठीक है? ओके चलो भाई। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं क्या है। देखिए, गोवा की वर्तमान के जो मुख्यमंत्री हैं ये कौन है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी जो आपका डीडीए जेई का एग्जाम था तो उसमें ना इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे गए थे। किसी भी राज्य का फॉर्मेशन कब हुआ, इस राज्य के सीएम कौन है, तो उसी आधार पर मैंने जो है आज के क्वेश्चन थोड़ा सा रखे। हालांकि क्वेश्चन सारे आपके बहुत ईजी ही, आज टफ नहीं है क्वेश्चन। चलिए बताइए आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी प्रमोद सावंत होगा, बिल्कुल सही है। ये है गोवा के सीएम। गोवा की जब हम बात करते हैं तो इसके जो गवर्नर है प्रेजेंट टाइम पर, ये कौन है भाई? गवर्नर की बात करेंगे तो कौन हो जाएंगे आपके? श्रीधरन पिल्लई। ठीक है, अच्छा, गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी है। और ये कौन सी रिवर के किनारे पर बसा हुआ शहर है? ये मंडवी नदी के किनारे पर बसा हुआ शहर है। इसी नदी के ऊपर आपको ना दूध सागर वाटरफॉल भी मिलता है। दूध सागर वाटरफॉल जल प्रपात ये आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, गोवा पहला ऐसा स्टेट बना है जो कि हर घर जल मिशन को लागू कर दिया है पूरे स्टेट के अंदर। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे अभी लेटेस्ट जो है ये रेबीज फ्री हो चुका है, ये ओपन डेफिकेशन फ्री भी हो चुका है, ओपन डेफिकेशन फ्री हो चुका है। यहाँ पर वाइन म्यूजियम भी बनाया गया था, जो कि देश का पहला वाइन म्यूजियम यहाँ पर ओपन किया जाता है। ठीक है, ओके। और गोवा से क्या याद रखना, यहाँ पर एक मिर्च है जिसको जीआई टैग दिया हुआ है। कौन सी है? एक है यहाँ पे हरमल मिर्च जिसको जीआई टैग मिला हुआ है, एक है खोला मिर्च। ये दोनों कहाँ पर होती है? गोवा के अंदर होती है, और इनको क्या दिया गया है? जीआई टैग दिया गया है। ओके, अनुज कनौजिया भावनाओं में बहते हुए और इतने सारे गुलाबी दिल भेजते हुए, क्या बात है भाई, आज कुछ ज्यादा ही तुम लोगों का प्यार उमड़ रहा है, मैं देख रही हूँ। हाँ, कोई लाल दिल भेज रहा है, कोई गुलाबी दिल भेज रहा है, बस करो भाई, पढ़ लो पढ़ लो, दूसरों को भी पढ़ने दो। गोवा जाने का मन कर गया मैम, अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। गलती तो मेरी है, सारे डिस्ट्रक्शन तो मेरी वजह से होता है, तुम लोग मेरी वजह से तो पढ़ नहीं पा रहे हो, है ना? सारा डिस्ट्रक्शन तो मैं ही करती हूँ, ऐसे ऐसे सवाल ले आती हूँ कि आपका गोवा का क्वेश्चन आ गया तो गोवा घूमने का मन कर रहा है ना। वाह बहुत बढ़िया, सारा कसूर तो मेरा ही है ना, तुम लोगों की थोड़ी ना कोई गलती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सीधा सा सवाल है। ठीक है, चलो पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है जो भारत और नेपाल की सीमाओं को जोड़ता है? वर्ल्ड थर्ड हाईएस्ट माउंटेन आपको बताना है, जो कि कनेक्ट करता है ऑफ द बॉर्डर्स ऑफ इंडिया एंड नेपाल। क्या होगा सही आंसर बताइए? प्यारी प्यारी आ गई है क्लास में। ओके, एंड डिस्ट्रक्शन बढ़ता जा रहा है, पिट जाओगे तुम लोग कसम से बहुत। चलो अच्छा, ऑप्शन नंबर सी आंसर आ रहे हैं यहाँ पे, जो कि बिल्कुल गलत है। क्या बात करो, K2। ऐसे थोड़ी कुछ भी आंसर करोगे, नहीं K2 नहीं होगा, आंसर होगा कंचनजंगा। कंचनजंगा की बात करते हैं तो इसकी जो हाइट हो जाएगी दैट इज 8,586 मीटर है, और इसकी लोकेशन आपको सिक्किम के अंदर मिलती है। ठीक है, सिक्किम के अंदर मिलती है, और इसी को इंडिया की हाईएस्ट पीक कहा जाता है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा को कहते हैं। केटू की बात करेंगे,
इसी को गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। ये भी भारत की हाईएस्ट पीक कही जाती है। इसकी अगर हाइट की बात करते हैं 8,640 मीटर इसकी हाइट है, लेकिन ये जो है ना पीओके वाले एरिया में आती है, जो पाक ऑक्यूपाइड एरिया है ना, ठीक है, वहां पर आती है, जम्मू कश्मीर वाले एरिया में। तो इसीलिए क्या है आपका इंडिया की हाईएस्ट पीक किसको कहते हैं, कंचनजंगा को कहा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तब क्या आंसर करके आएंगे, तो हो जाएगी आपकी माउंट एवरेस्ट। इधर लिखते हैं कौन सी हो जाएगी, माउंट एवरेस्ट। इसकी हाइट कितनी है, 8,848.86 मीटर जो है वो इसकी हाइट हो जाएगी। ठीक है, चलो अब एक सवाल का जवाब आप लोग देंगे। अब फटाफट से बताइए मुझे कि माउंट एवरेस्ट पर सबसे अधिक चढ़ाई करने का जो विश्व रिकॉर्ड है वो किसके नाम पर है, फटाफट से कौन इसका आंसर करेगा, जल्दी बताएंगे उनका नाम क्या है। तब तक हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो, निम्न में से किसका रक्त लाल नहीं होता है। देखो, हम सभी का जो खून होता है ना, जो ब्लड होता है, उसका कलर कैसा होता है, रेड होता है। क्यों होता है, ब्लड का कलर रेड क्यों होता है, पिंक क्यों नहीं होता है, क्योंकि ब्लड के अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन, ठीक है, और हीमोग्लोबिन की वजह से ही कलर क्या होता है, रेड होता है। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा एनिमल है जिसका ब्लड जो होता है वो रेड ना होकर के व्हाइट होता है। व्हाइट होता है, क्यों होता है व्हाइट, क्योंकि हीमोग्लोबिन की कमी होती है। ठीक है, तो ये कौन सा एनिमल है, ये हो जाएगा कॉकरोच। बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अब कोई एक्सपेरिमेंट मत करके देख लेना, पता चले करके देख रहे हैं ब्लड निकाल के, ना गलत बात है। ठीक है, कॉकरोच के शरीर में क्या होता है, हीमोग्लोबिन की कमी होती है, और इसी वजह से जो कॉकरोच का ब्लड का कलर जो होता है वो कैसा होता है, व्हाइट होता है। कैसा होता है, व्हाइट होता है। ओके, मैंने कुछ सवाल पूछा था आप लोगों से, आंसर तो आया नहीं अभी तक। माउंट एवरेस्ट पर सबसे अधिक चढ़ाई करने का जो विश्व रिकॉर्ड है वो कामी रीता शेरपा के नाम पर है। 26 टाइम्स ये चढ़ाई कर चुकी हैं, जो कि कहां से बिलोंग करती है, नेपाल से। ठीक है, और अगर पूछ लिया जाए कि विदेशी कौन है ऐसा मैक्सिमम टाइम्स चढ़ाई करने वाला, तो आप क्या आंसर करके आएंगे, बताओ फटाफट से, जल्दी जल्दी आंसर किया करो। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो क्या है, फतेहपुर सीकरी को डैश के द्वारा मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था। फतेहपुर सीकरी के लोकेशन की बात करते हैं तो ये यूपी के अंदर आपको मिलता है। ठीक है, इसकी जो स्थापना है वो 1571 से लेकर 1585 के बीच में की जाती है। किसने की थी, हाँ कॉकरोच खाने वाला, हाँ चाइना, हाँ हाँ चाइना खाता है कॉकरोच। हाँ, ये तो तुम लोगों को बहुत याद रहते हैं, असल चीजें याद नहीं रख पाते हो ना बस। चलो, मैंने क्या पूछा था आपसे, हाँ अकबर, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। अकबर ने अपनी राजधानी जो है फतेहपुर सीकरी बनाई थी, और अकबर ने ही इसकी स्थापना की थी। अकबर ने यहाँ पर पंचमहल की भी स्थापना की थी। अकबर ने यहाँ पर बुलंद दरवाजा भी बनवाया था, जो कि एक मस्जिद का दरवाजा है, और विश्व का सबसे ऊंचा दरवाजा इसे कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है सबको, हाँ भाई आगे देखो। मैंने सवाल पूछा था, हाँ पहला विदेशी कौन था माउंट एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार चढ़ाई करने वाला, तो ये है आपके कंचन कोल, जो कि कहां से बिलोंग करते हैं, यूएसए से बिलोंग करते हैं। ठीक है, चलो अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5, काजीरंगा जो है उसको किस चीज के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काजीरंगा को किस चीज के लिए जाना जाता है। सेशन को प्लीज लाइक एंड शेयर भी कर देंगे सब लोग, बिना किसी कंजूसी के, फटाफट से, इतना सा काम तो करना होता है, उसमें इतनी सारी कंजूसी करते हो आप लोग, हद है मतलब यार, हद है मतलब सच में। क्या आंसर आ रहे हैं, ऑप्शन बी, कुछ कह रहे हैं ए, सबके सब भावनाओं में बहते हुए। चलो देखो, काजीरंगा की बात करते हैं तो ये जो है ना राइनोस के लिए जाना जाता है, वो भी कैसे राइनोस, वन हॉर्न्स राइनोस। ठीक है,
यानी कि एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है हमारे देश में। सबसे ज्यादा जो एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं वो काजीरंगा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, और ये नेशनल पार्क आपको मिलता है कहाँ पे, असम के अंदर। अभी इनकी गिनती हुई थी जिसमें इनकी जो संख्या है वो 200 से क्या हो गई है, बढ़ गई है, ठीक है। अच्छा, असम में और कौन कौन से नेशनल पार्क्स मिलते हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे मानस हो गया, नामेरी नेशनल पार्क हो गया, औरंग नेशनल पार्क हो गया, काजीरंगा हो गया, ठीक है, रायमोना फॉरेस्ट हो गया, ये भी तो अब नेशनल पार्क बन चुका है आपका। और एक लेटेस्ट बनाया गया था देहिंग पटकाई, जो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, अब इसको नेशनल पार्क में अपग्रेड कर दिया गया है, ठीक है ना। हाँ जी, चलो प्यारी और बेला आपस में बातें ना करो, ठीक है, ना करो भाई, ना करो आपस में, बहुत तुम लोग पंचायत करते हो, क्या करते हो तुम लोग, मुझे तो ये समझ नहीं आता है। कुछ लोग तो बस इंतजार करते रहते हैं कब पिंकी मैम की क्लास शुरू होगी, कब हम पंचायत करेंगे, कब हमारा मिलन होगा दोस्तों से। भगवान, पेपर नहीं देना है क्या? हाँ, पेपर पेपर नहीं देना है, सेटिंग करके रखी है क्या पूरी, पेपर पेपर की क्या सेटिंग करके रखी है, दो दिन में पढ़ लोगे सारा? यार नहीं होने वाला, ठीक है, नहीं होना, रोज पढ़ना पड़ता है, रोज पढ़ना पड़ता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफिल निम्न में से किसमें पाया जाता है? क्लोरोफिल की बात करते हैं, ये क्या होता है क्लोरोफिल जो होता है, ये क्या होता है, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, जो कि किसमें पाया जाता है, जो पत्तियों में पाया जाता है, ठीक है, पत्तियों में पाया जाता है। और ये क्या काम करता है, सनरेज से, सूर्य की किरणों से ऊर्जा प्राप्त करता है और अपना भोजन और पानी बनाता है, ठीक है, उसकी व्यवस्था करता है। तो ये क्लोरोफिल जो होता है किसमें पाया जाता है, युगलेना में पाया जाता है। तो युगलेना जो है आपका पत्तियों में ग्रीन पिगमेंट होता है युगलेना, जो सनरेज से क्या लेती है, ऊर्जा लेती है, और उसका यूज भोजन और पानी बनाने में किया जाता है। समझ आए सभी को? चलो अच्छा, काश कुछ ऐसा होता, ए काश कहीं ऐसा होता कि कमेंट सेक्शन में ना ये ग्रुप चैट ऑफ हो जाता तो बड़ा मजा आता, तुम्हारी सारी पंचायती जो ना वो धरी की धरी रह जाती, फिर मैं ना ग्रुप चैट को ऑफ कर देती, फिर सबके चैट मुझे तो दिखाई देते लेकिन तुम लोगों को आपस में दिखाई नहीं देते, मजा आ जाता। कोई ऐसा कुछ तो ऐसा होना चाहिए, बात करते हैं यूट्यूब से। चलो अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, व्हाट इज द करेंसी ऑफ रशिया? रशिया है, यूक्रेन है, यूएसए हो गया, फ्रांस हो गया, जापान हो गया, ये कंट्रीज बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहती हैं, तो इनकी जो करेंसी है वो आपको पता होनी चाहिए। अब देखो रशिया की बात करते हैं, इसकी करेंसी क्या है, रूबल है इसकी करेंसी। रशिया की कैपिटल क्या हो जाएगी, इसकी कैपिटल है मॉस्को, ठीक है, और रशिया के जो प्रेसिडेंट है ये तो आप सभी जानते हैं, व्लादिमीर पुतिन है। चलो अच्छा, अभी न्यूज में कौन सी करेंसी है सबसे ज्यादा, चाइना की करेंसी है, क्या है, एक तो है युआन, ठीक है, और दूसरी है रेनमिनबी। अभी रशिया ने ट्रेड किया था ना इस करेंसी में, जिसकी वजह से इसने डॉलर को पीछे छोड़ दिया था, तो ये करेंसी जरूर पूछी जा सकती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करोगे इसको। फिनलैंड की करेंसी क्या है, फिनलैंड भी अभी न्यूज में है, ये क्या कहते हैं उसको, नार्को स्टेट बन गया है फिनलैंड। फिनलैंड एक सॉरी वो तो सीरिया बना था आपका, सॉरी सीरिया बना है नार्को स्टेट। फिनलैंड की जो करेंसी होती है वो यूरो होती है, ठीक है, ओके। और सीरिया की जो करेंसी है वो क्या होती है, पाउंड, ठीक है। अच्छा ओके, सो यूएसए की करेंसी तो आप सभी जानते ही है क्या होती है, डॉलर होती है यूएसए की करेंसी। अब आप मुझे बताइएगा, आप मुझे बताओ कि भूटान की करेंसी को क्या कहते हैं। चलो, जिसने इसका आंसर कर दिया वो आज की हमारी क्लास का चाणक्य घोषित कर दिया जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान है वैसे तो, उम्मीद करती हूँ कि इसका आंसर आप लोग जरूर जरूर दे पाएंगे। तब तक हम बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है,
ओके सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर दैट इज भारत सरकार के द्वारा स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2022 का आयोजन किया गया था, ये कब से कब तक किया गया, चाहे 2022 का हो चाहे 2023 का हो, सेम है, कब से लेकर कब तक ये मनाया गया है आपका। थिम्पू भगवान है कहाँ रे तू, अब तो भगवान आ ही जा। तो कैपिटल क्या है फिर उसकी, भूटान की कैपिटल क्या है फिर, अगर करेंसी थिम्पू है तो कैपिटल क्या है। अपने पड़ोसियों के बारे में नहीं पता भैया, भूटान है, नेपाल है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, ये हमारे पड़ोसी देश हैं। अगर इनकी करेंसी नहीं पता तो ये चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात है ना। तो अगर मेरी बात का बुरा लगा है किसी को तो ये बहुत ही अच्छी बात है, मेरा इरादा भी कुछ ऐसा ही था कि आपको बुरा लगे, जब बुरा लगे तभी पढ़ती है, तभी पढ़ोगे तो ठीक है। तो भूटान की जो करेंसी वो नगुल्ट्रम है, क्या है, नगुल्ट्रम है। थिम्पू जो है उसकी कैपिटल हो जाएगी। ओके सो स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 10 से लेकर 16 मार्च तक आपका मनाया गया है, 2023 में भी 10 से 16 मार्च मनाया गया। इसका पर्पस क्या है, जितने भी स्टार्टअप्स हैं इंडिया के अंदर उनको कैसे आगे बढ़ाना है, इसके ऊपर अवेयरनेस फैलाना, उस पर काम करना। अच्छा तो आप मुझे बताइए कि हमारे देश में स्टार्टअप इंडिया के नाम से एक पहल लॉन्च की जाती है, हालांकि इसका जो नाम था वो स्टैंडअप था, स्टैंडअप इंडिया, ये स्टार्टअप्स के लिए ही थी, 2016 में इसे लॉन्च किया था। अभी अगर आपसे पूछ लिया जाए स्टार्टअप कैपिटल जो है वो कौन सी सिटी को बनाया गया है, तो दिल्ली को बनाया गया है। सबसे ज्यादा जो स्टार्टअप्स हैं ये आपको कहाँ पर मिलते हैं, दिल्ली के अंदर मिलते हैं, कितने हैं 5000 हैं। सेकंड नंबर पे कहाँ पर मिलते हैं, बेंगलुरु के अंदर मिलते हैं, यहाँ पर कितने हैं 4500 से ज्यादा स्टार्टअप्स मिलते हैं, ठीक है। अच्छा तो कितने ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो कि यूनिकॉर्न कंपनीज में शामिल हो चुके हैं, 100 से ज्यादा स्टार्टअप्स आपके यूनिकॉर्न कंपनीज के अंदर शामिल किए जा चुके हैं, ठीक है। चलो अच्छा, कुछ लोगों को बड़ी फिक्र हो रही, मैडम पानी पी लीजिए, क्यों भैया मेरी आवाज से ऐसा लग रहा है कि जाने वाली है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9, अधिकांश बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे, जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं वो ज्यादातर किस भाषा में लिखे गए थे, ये आपसे पूछा जा रहा है, संस्कृत, मगधी, प्राकृत या फिर पाली भाषा में लिखे गए थे। जो प्यारे प्यारे बच्चे क्लास देख रहे हैं बट सेशन को लाइक नहीं किया है तो वो प्लीज कर दो भाई, पैसा नहीं लगेगा इसमें आपका, बिल्कुल नहीं लगेगा, बेशक करके देख लो आप, एकदम करके देखो लाइक, एकदम फ्री है, कोई पैसा नहीं कटने वाला, ठीक है। चलो अच्छा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। सो कौन सी भाषा में लिखे गए हैं, पाली भाषा में लिखे गए हैं, ज्यादातर जो बौद्ध ग्रंथ है वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। अब यहाँ से ना एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा जाता है, पहली बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था, तो कहाँ होता है पहली, देखो पहली बौद्ध संगीति का आयोजन की बात 483 ईसा पूर्व अजात शत्रु ने किया था, ठीक है, और अध्यक्षता जो है वो महाकश्यप ने की थी, और ये कहाँ पर, राजगीर के अंदर होता है। दूसरा, राजा कालाशोक के अध्यक्षता सभाकामी ने की थी, और ये कहाँ होता है, पाटलिपुत्र में होता है, ठीक है। और यहाँ पर ये चौथा, पांचवा और छठा, ये क्या है, बौद्ध संगीति है, जहां से ज्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं, नोट कर लीजिएगा। कल मेरे पास, अच्छा तुम लोग बकवास कर रहे हो तो तुम लोग नंबर वन हो, है ना। अगर एक कंपटीशन करवाई जाए तुम लोगों के बीच में कि कौन कितनी बकवास करता है, तो भैया रिजल्ट निकालना मुश्किल हो जाएगा यहाँ पर। तो चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो 1912 में विटामिन की खोज किसने की थी, वाइटामिन की बात करते हैं तो वाइटामिन जो होते हैं वो क्या काम करते हैं, हमारे शरीर में एनर्जी क्रिएट करते हैं,
जो आप एनर्जेटिक रहते हो, आपकी बॉडी में एनर्जी जो आती है वो किस चीज से आती है, विटामिन्स से आती है। जो आप हरी हरी सब्जियां खाते हो उनसे अलग अलग विटामिन्स मिलते हैं, फ्रूट्स से विटामिन्स मिलते हैं, अनाज से मिलते हैं, तो वो जो विटामिन्स होते हैं जब उनकी कमी हो जाती है शरीर में तो आपको वीकनेस फील होने लगती है, एनर्जी नहीं मिलती है ना। हर एक विटामिन का अपना अलग काम होता है। अगर विटामिन सी की कमी है, डी की कमी है, तो आपकी डी से हड्डियां कमजोर होने लग जाती हैं, स्किन आपकी डिहाइड्रेट होने लग जाती है ना। तो हर एक का क्या होता है, अलग होता है। विटामिन ए की कमी है तो आपकी आंखों में प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो हर एक विटामिन का अपना अलग रोल। कितने विटामिन्स होते हैं हमारे शरीर में, टोटल विटामिन्स की संख्या 13 होती है। कुछ होते हैं जो पानी में घुलनशील होते हैं, कुछ होते हैं जो फैट सोल्यूबल होते हैं, फैट में घुलनशील होते हैं। देखो वाटर सोल्यूबल कौन कौन से होते हैं, फैट सोल्यूबल कौन से होते हैं पूछा जाता। फैट सोल्यूबल होते हैं ए डी ई के, वाटर सोल्यूबल होते हैं बी और सी। अगर आप लोगों को इनमें कंफ्यूजन रहती है तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो वाटर सोल्यूबल होते हैं वो बी और सी होते हैं, और बी सी कौन होते हैं, हमारे दोस्त होते हैं, वो नंबर वन बी सी होते हैं। बी सी मतलब बहुत क्यूट होते हैं, ठीक है ना। तो बी सी का मतलब बहुत क्यूट होते हैं आपके दोस्त, तो वो पानी, तो वाटर सोल्यूबल होते। मन करता है कि पानी में डुबा डुबा के इधर उधर लगाए, समझ गए ना मेरी भावनाओं को, मैं क्या कहना चाहती हूँ। बाकी जो बच गई वो फैट सोल्यूबल ए डी ई के, ठीक है। ओके, तो इनकी खोज किसने की थी, कासिमिर फंक ने खोज की थी, और कब की थी, 1912 में की थी, याद रहेगा सभी को। अब वाह मैडम कभी ना भूलने वाले, ठीक है, चलो अच्छा नेक्स्ट देखो। निम्न में से किसे सरकार के द्वारा उच्चतम स्तर की सुरक्षा प्राप्त है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन बाय द गवर्नमेंट। भाई आपको नेशनल पार्क दिया है ऑप्शन में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, टाइगर रिजर्व्स और बायोस्फीयर रिजर्व्स है। सबसे ज्यादा हाई लेवल का जो प्रोटेक्शन है वो इनमें से किसको दिया जाता है, है? क्या बताएं समसम जी टैकी फोर, ये सब देखो विटामिन्स नहीं पढ़ा रही हूं मैं आपको यहाँ पर, स्टैटिक जी के करा रही हूँ, फिक्स क्वेश्चन से जो एग्जाम में आएंगे डायरेक्ट, तो थ्योरी क्लास नहीं चल रही है आपकी, साइंस के टीचर से समझना बहुत डीप में समझना है, तो ये स्टैटिक जीके की क्लास है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ वो कंटेंट आपको दिया जा रहा है जो डायरेक्ट क्वेश्चन में आते हैं, डायरेक्ट पेपर में आते हैं, जो क्वेश्चन एज इट इज बताए जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नेशनल पार्क। जो नेशनल पार्क्स होते हैं उनको सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन देने के लिए क्या होता है, उनको हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन दिया जाता है बाय गवर्नमेंट। नेशनल पार्क्स जो है वो हमारे देश में टोटल कितने हैं, 108 नेशनल पार्क है। आप मुझे बताइए हमारे देश का जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, लार्जेस्ट नेशनल पार्क जो है, ये कौन सा है, जिसने इसका आंसर कर दिया वो उपाधि मिलेगी उसको, ठीक है। अच्छा, सो जो फर्स्ट नेशनल पार्क बनाया गया था, फर्स्ट जो नेशनल पार्क था ये कौन सा था, जिम कॉर्बेट। इसका नाम अभी क्या हो चुका है, राम गंगा नेशनल पार्क हो चुका है, और पहले इसका नाम हेली नेशनल पार्क हुआ करता था, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर है सबको, चलो मैंने पूछा है सबसे बड़ा नेशनल पार्क जो है ये कौन सा है, आंसर कर दो फटाफट से। बहुत ही तुम लोग है ना आंसर नहीं कर रहे हो आजकल, मैं देख रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस वर्ष राजेंद्र प्रसाद को भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। हम सभी जानते हैं कि भारत के पहले राष्ट्रपति जो रहे थे वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। इन्हें कब भारत का राष्ट्रपति बनाया गया था, वो ईयर बताइएगा कौन सा था। हेमिस नेशनल पार्क, बहुत ही बढ़िया मधवेश, प्रियंका वेरी गुड, दिलीप गुप्ता आता नहीं, पढ़ भी लो, कब फटते ही रहोगे आज, हाँ फटते ही रहोगे क्या आज। हाँ जी, 1950 इज योर करेक्ट आंसर। राजेंद्र प्रसाद जो है, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति थे, 1950 में इन्हें पहला राष्ट्रपति है जो कि चुना गया था। 1946 में इन्हें अंतरिम राष्ट्रीय सरकार में पहले फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर के रूप में भी चुना गया था। इन्होंने संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है, और पहले संविधान का प्रारूप तैयार किया, यह कार्य 1948 से 50 तक चला था।
ठीक है। हाँ जी क्लियर है क्वेश्चन सभी को। ये जो प्यारे नाम से लड़की क्लास में ना, वो प्यारी नहीं है, वो प्यारा है, बता दूं मैं आप लोगों को। ठीक है, तो जरा अपनी सेफ्टी अपने हाथ में। ठीक है, आगे देखो, किसके गवर्नर जनरलशिप के दौरान भारतीय सिविल सेवा की सेवा की शुरुआत की गई। इंडियन सिविल सर्विसेज की शुरुआत भारत में किसके द्वारा की जाती है? ठीक है, ये बताना, लॉर्ड डलहौजी ने करी थी, लॉर्ड कर्जन ने, विलियम बेंटिक ने, या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और इन्हीं को कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज। नाम क्या है इनका? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, लॉर्ड कॉर्नवालिस है, इन्हीं को फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। और इंडियन सिविल सर्विसेज में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। हालांकि आगे शायद एक ऐसा क्वेश्चन आएगा। देखो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को समर्पित इनमें से कौन सा स्मारक है, यानी कि कौन सी समाधि है जो कि इनके नाम से बनाई गई है? कौन से, महाप्रयाण घाट, अभय घाट, समता स्थल, या फिर उदय भूमि? क्या होगा सही आंसर? उदय भूमि, ये आर के नारायण का समाधि स्थल है जो कि हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुकी हैं। समता स्थल, ये बाबू जगजीवन राम बिहार के थे, इनके नाम की इनका समाधि स्थल है। अभय घाट की बात करते हैं तो ये मोरारजी देसाई का समाधि स्थल है। ठीक है, महाप्रयाण घाट जो है ये राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल है। ठीक है, समाधि स्थल से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए राजघाट किसका समाधि स्थल है, तो ये महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए किसान घाट, ये किसका समाधि स्थल है, तो चौधरी चरण सिंह का, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह का। अगर आपसे पूछ लिया जाए शक्ति स्थल, ये किसका समाधि घाट है, तो ये बताओगे आप लोग बराबर से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है मैंने, शक्ति स्थल बताना है, यह है किसका समाधि स्थल है। ठीक है, हां जी आगे बढ़ लिया जाए। चलो फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? राष्ट्रीय एरोस्पेस विकास प्रशासन नाडा की आधिकारिक अंतरिक्ष एजेंसी है, मतलब किस देश की ये क्या है, एक स्पेस एजेंसी है, नेशनल एरोस्पेस डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे कि हमारे देश का इसरो है। ठीक है, यूएसए का नासा है, रशिया का रोस्कोसमोस है, जापान का जाक्सा है, वैसे ही नाडा किस देश की स्पेस एजेंसी है, किस देश की है बताओ जल्दी से। लाल बहादुर शास्त्री, हाँ ये कहां से आ गए, विजय घाट है उनके समाधि स्थल। ठीक है, मैंने आपसे शक्ति शक्ति स्थल पूछा है। ओके, इंदिरा गांधी, यस। बुलेट राजा, बहुत ही बढ़िया। नॉर्थ कोरिया, नाडा जो है ये किसकी स्पेस एजेंसी है? नॉर्थ कोरिया की स्पेस एजेंसी है। ठीक है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दो कंट्री जो है कभी एक हुआ करती थी। कौन सी पैरेलल लाइन है जो इनके बीच में खींची गई और इन दोनों को अलग करती है? 38th पैरेलल लाइन, कौन सी है? 38th पैरेलल लाइन इन दोनों के बीच में। अब आ जाओ अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 16। इंडियन सिविल सर्विसेज में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे, जैसा कि हमने पीछे डिस्कस किया, सत्येंद्र नाथ टैगोर थे सबसे पहले इंडियन सिविल सर्विसेज में, यही शामिल हुए थे, और वो ईयर कौन सा था? 1863 था। इंडियन सिविल सर्विसेज के फादर जो है हमने देखा किसे कहा जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। ठीक है, कंफ्यूज हो जाते हो, एक काम करूंगी ना, सारे समाधि स्थल में आपको ट्रिक के माध्यम से याद करा दूंगी, पर ठीक है चलो। अच्छा अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार जो है पूछा जा रहा है कि ये किस लिए दिया जाता है।
किस लिए दिया जाता है भाई? देखो, राजस्थान के एक राजा थे, ठीक है, तो उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया, वो जोधपुर के राजा थे, उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ लकड़ियां काट कर लाओ, हमारे लिए लकड़ी से एक महल तैयार किया जाए। सैनिक चले जाते हैं जंगल में लकड़ियां काटने के लिए, जहां पर आदिवासी लोग उन लकड़ियों की, उन पेड़ों की पूजा किया करते थे। तो उन्होंने वो लकड़ियां काटने से इनकार कर दिया। वहीं पर अमृता देवी थी, इन्होंने तो एक पेड़ को गले से लगा लिया और कहा कि अगर आप पेड़ काटोगे तो उससे पहले हमारी लाश के ऊपर से गुजरना होगा। तो उन्होंने एक आंदोलन चलाया था, इन्होंने लीड किया था, तो तभी से जो है इन्हीं के नाम पर अवार्ड्स दिए जाते हैं पर्यावरण के क्षेत्र में, ठीक है, इन्हीं के नाम पर दिया जाता है अवार्ड्स दिए जाते हैं, जो कि किस फील्ड में दिया जाता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए दिया जाता है। अमृता देवी बिश्नोई, बिश्नोई समुदाय था, बिश्नोई कम्युनिटी थी, उस कम्युनिटी के लोग जो है उस जंगल में रहते थे, ठीक है। तो ये इसके पीछे की छोटी सी कहानी है, क्लियर है सबको? 1731 की बात है ये। चलो फिर आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला जो हवाई अड्डा है ये कौन सा है? मतलब कि फर्स्ट एयरपोर्ट ऑफ इंडिया जो पूरी तरह से सोलर एनर्जी से चलता है, कौन सा है फर्स्ट एयरपोर्ट, कौन सा तैयार किया गया था? कोचीन एयरपोर्ट था। ये कहाँ पर आपको मिलता है? केरला में मिलता है। अभी हमने देखा करंट अफेयर में कि हमारे देश की फर्स्ट एक ऐसी टूरिस्ट बोट तैयार की गई है जो पूरी तरह से सोलर पे चलती है। आप में से कोई मुझे उसका नाम बता सकता है? ये भी कहाँ पे तैयार की गई है? केरला के अंदर ही इसको तैयार किया गया। बस मुझे इस बोट का नाम बता दीजिए जल्दी से। करंट अफेयर में हो चुका है ये क्वेश्चन, आंसर नहीं आते, मेरा दिल टूट जाता है, टूट के चकना चूर हो जाता है, कसम से बता रही हूँ। क्लास में कराई हुई चीजें भी याद नहीं रहती, पता नहीं तुम लोग क्लास में आते क्या करने हो फिर, है? जो चीजें क्लास में पढ़ाई जाती हैं अगर वो याद नहीं रहती तो क्या करने आते हो क्लास में, बताओ। मैं नहीं बताऊंगी इसका आंसर, बहुत हो गया तुम लोगों का, आप लोग ही बताओगे इसका आंसर। ये तो जो है टूरिस्ट बोट है, वैसे पूछ लिया जाए पहली बोट जो पूरी तरह से सोलर एनर्जी पर बेस्ड है तो ये जो चलाई जाती है आपकी केरल के कोची में ही, और इसका नाम था आदित्य। सोलर से चलने वाला पहला रेलवे स्टेशन पूछ लिया जाए अगर आपसे रेलवे स्टेशन, तो ये हो जाएगा गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, ठीक है। और पूरे विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री पूछा जाए तो इंडिया में मिलता है और वेस्ट बंगाल के दुर्गापुर के अंदर लोकेटेड है, ठीक है। KSINC इसने तो मंजूरी दी थी ना, मैंने तो बोर्ड का नाम पूछा है आपसे, मैंने तो नाम पूछा है बोर्ड का कि नाम क्या है उसका। चलो मैं नहीं करने वाली, इसका आंसर तो आप लोग ही करोगे, छोड़ूंगी नहीं मैं जब तक आंसर मुझे मिलेगा नहीं इसका। आगे देखो तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन। और सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट की भी तो लिस्ट आई थी, उसमें नंबर वन पे कौन सा था? अटलांटा एयरपोर्ट था, ठीक है। अटलांटा एयरपोर्ट यूएसए का है, और इंडिया का जो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट सबसे बिजिएस्ट है, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे एशिया में, ओके। चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पंडित रविशंकर प्रसाद कौन सा पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने थे? बताओ भाई। पंडित रविशंकर पुरस्कार, पंडित रविशंकर की बात करते हैं, इन्होंने कौन सा पुरस्कार जीता था? वेरी गुड, किसका आंसर है? सैमसंग, सूर्यवंशु, बहुत बढ़िया। सूर्यवंशु करेक्ट है, ठीक है। चलो किसी ने तो नाक कटने से बचाया फाइनली। ऑप्शन बी आंसर आ रहे हैं, ग्रैमी, बिल्कुल सही है, ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। देखो ग्रैमी अवार्ड की जब हम बात करते हैं तो ये जो अवार्ड है म्यूजिक की फील्ड में दिया जाता है, कौन देता है? यूएसए देता है, ठीक है। सबसे पहले किस भारतीय को दिया गया था? पंडित रविशंकर को दिया गया था, कौन सा? ग्रैमी पुरस्कार, तो ये म्यूजिक की फील्ड में दिया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पर, साकीवा डैश में मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्योहार है, इज अ रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन डैश, कौन से स्टेट के अंदर ये मनाया जाता है जो कि एक धार्मिक त्योहार है?
आंसर करिए जल्दी से, क्या होगा करेक्ट आंसर? चलो अच्छा मैम, प्यारी को नागलोक लेकर जाऊंगा। तुमको कहाँ लेकर जाएंगे तुम्हारे घर वाले? पता है बेटा, पेपर क्लियर नहीं हो ना, तुम्हारे पापा जूता लेके तुमको घर से ऐसा निकालेंगे ना, तुम्हारी मम्मी तुमको बचा नहीं पाएंगे फिर। समझ रहे हो बात को? अभी तो तुम पीछे पड़े हो प्यारी के, बेला के, किसी का तो नंबर मिल जाए। और बेटा नंबर मिले चाहे ना मिले, तुम्हारी पापा की चप्पल का नंबर ऐसा पड़ेगा ना रिजल्ट आने के बाद में, फिर तुम मुझे याद करना। पिंकी आपने सही बोला था बिल्कुल, है ना, फिर याद करना मुझे। चलो साकेवा फेस्टिवल की बात करते हैं, जो कि एक धार्मिक त्योहार है, एक रिलीजन फेस्टिवल है। ये कौन से स्टेट के अंदर मनाया जाता है? सिक्किम के अंदर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ये फेस्टिवल वहां मनाया जाता है जहां पर एक प्रजाति के लोग रहते हैं। जैसे क्या हो गया, पता नहीं कहीं भी क्लिक हो जाता है एक तो मुझसे, ठीक है। किरात, सिक्किम के किरात खाबुराय समुदाय है, ये कम्युनिटी है। इस कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है। इसमें क्या होता है, भूमि की पूजा होती है, माँ चंडी की पूजा की जाती है, ठीक है। तो बैसाखी के पूर्णिमा के दिन जो है ये फेस्टिवल शुरू होता है। इसके अलावा सिक्किम में एक लोसार उत्सव भी मनाया जाता है, जो कि तिब्बतियों के द्वारा मनाया जाने वाला फेस्टिवल है। और तिब्बत तो एक टाइम पर सिक्किम का ही पार्ट हुआ करता था, ठीक है। तो यहाँ पर लोसार जहां जहां तिब्बती रहे हैं वहां वहां मनाया जाता है। लद्दाख में भी मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में भी ये सेलिब्रेट किया जाता है आपका, ओके। हाँ जी, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बेला बेटा पढ़ लो, ठीक है। चलो आगे देखो, अब आ जाते हैं लाइव टेस्ट पर। ये जो टेस्ट रहेगा ये बताएगा कि कौन कितना पानी में है, किसमें कितना है दम। सो रेडी सब लोग, शुरू किया जाए लाइव टेस्ट के लिए। रेडी है सब लोग? 10 क्वेश्चंस रहेंगे, आउट ऑफ 10 आपका क्या स्कोर रहता है ये मुझे लास्ट में बताइएगा। एंड सेशन को भी लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, ये बिल्कुल फ्री है, इसके कोई चार्जेस नहीं है, ओके। मैम आप जीके इतना मस्त पढ़ा रही है कि मन लगने लगा है मेरा आप जीके में। चलो थैंक यू सो मच, ये तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट है भाई। मैं यहाँ पर मतलब ऐसी हालत हो जाती है कि भूखे भूखे रह के पढ़ाओ ना तो एनर्जी नहीं रहती है, खाना खा के पढ़ाओ तो आवाज बदल जाती है ना। लेकिन मैं क्लास में फिर भी पूरी एनर्जेटिक रहती हूँ, मुझे एनर्जी मिलती है। तुम लोगों का जो प्यार है ना मेरे लिए, बस उसी चीज से मिलती है। और ये प्यार बरकरार रहना चाहिए, इसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। तो इसके लिए क्या है, आज तो 41 लाइक्स है, टारगेट रखते हैं 100 लाइक्स का। क्लास खत्म होने से पहले आपको ये टारगेट अचीव करना है, बस इतना सा काम कर दो, ठीक है। चलो अच्छा बताओ, भारत की पहली वाणिज्यिक रेलवे लाइन जो है ये कहाँ पर बिछाई गई? जो फर्स्ट कमर्शियल रेलवे लाइन, कमर्शियल रेलवे लाइन का मतलब क्या हुआ, जो मालगाड़ी होती है, जिस गाड़ी का यूज कमर्शियल पर्पज से व्यापार के लिए, माल ढुलाई के लिए किया जाता है, तो उसके लिए जो रेलवे लाइन है वो सबसे पहले कहाँ पर बिछाई गई थी? तो ये मद्रास के अंदर सबसे पहले बिछाई जाती है। कहां पर सबसे पहले बिछाई गई थी? मद्रास के अंदर। कौन सा वो ईयर था? 1832 के अंदर बिछाई गई थी। वैसे पूछ लिया जाए आपसे कि हमारे देश की जो पहली ट्रेन है ये कब आती है, तो आप सभी जानते हैं 1853 में आई थी, जिसका नाम क्या था, ब्लैक ब्यूटी। पहली ट्रेन का नाम था काली सुंदर, ब्लैक ब्यूटी ट्रेन था उसका नाम, जो कि 34 किलोमीटर ट्रायल के रूप में चलाई गई थी, 45 मिनट तक इसको चलाया गया था। इस टाइम पर किसका शासन काल था, तो लॉर्ड डलहौजी का इस टाइम पर शासन काल था। अगर आपसे पूछ लिया जाए इंडियन रेलवे बोर्ड के बारे में, इसकी स्थापना कब होती है, तो 1950 के अंदर बनाया जाता है इंडियन रेलवे बोर्ड। प्रेजेंट टाइम पर जो रेलवे के सीईओ हैं, क्या मुझे कोई उनका नाम बता सकता है? क्या है कोई ऐसा माइकल लाल हमारी क्लास में जो इस क्वेश्चन का आंसर कर सके कि प्रेजेंट टाइम पर रेलवे बोर्ड के सीईओ जो है ये कौन है? जल्दी जल्दी आंसर करो फटाफट से। हाँ, मुंबई टू थाने चली थी पहली जो ट्रेन, चली थी, नोट करो, ये चली थी मुंबई टू थाने।
मुंबई टू थाने। लॉन्गेस्ट ट्रेन पूछा जाए तो कौन सी है आपकी, वासुकी है। वासुकी जो है ये सबसे लंबी ट्रेन है, इसकी लंबाई है 3.5 किलोमीटर। ये क्या है, एक आपकी गुड्स ट्रेन है, मालगाड़ी है। ठीक है, चलो मैंने एक सवाल पूछा था जिसका आंसर अभी तक किसी ने भी किया नहीं है। अश्विनी वैष्णव, वो तो रेल मंत्री हैं। अनिल कुमार लोहाती, सुनील शर्मा तो बहुत पहले है भाई, बहुत पीछे चले गए हो आप तो। अभी होंगे अनिल कुमार लोहाती, नोट कर, किसी को भी नहीं पता था इसका आंसर, अनिल कुमार लोहाती। चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू। और वंदे भारत की भी बात कर लेते हैं। अभी राजस्थान से वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई गई, एक वेस्ट बंगाल से दिखाई गई, ये पहली वंदे भारत है। सॉरी जो पहली वंदे भारत है जो कि दिल्ली टू वाराणसी चली थी, दूसरी दिल्ली टू कटरा चली थी। साउथ इंडिया की पहली वंदे भारत ये जो है कहां से, मैसूर से लेकर कहां तक चली थी आपकी। क्या नाम था उस जगह का, आजकल तो शब्द ही दिमाग से स्लिप हो जाते हैं। चलो आंसर करो नेक्स्ट क्वेश्चन का। पूछा जा रहा है कि पलार नदी घाटी डैश प्रमुख नदी घाटियों में से एक है। हाँ जी, पलार नदी घाटी डैश प्रमुख नदी घाटियों में से एक है, ये आपको बताना है। चलो आंसर करो फटाफट से, क्या होगा, मैसूर टू चेन्नई। याद आ गया, मैसूर से चेन्नई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहारी बाबू बेटा तुमको ब्लॉक कर दिया जाएगा, तुम्हें इधर उधर की बातें ज्यादा करते हो मैं देख रही हूँ। पहले ये बच्चा ना पढ़ाई करता था, फिर पता नहीं किसकी हवा लग गई, इसने पढ़ना लिखना छोड़ दिया और फालतू के काम करने शुरू कर दिए हैं। ठीक है, और फिर अभी ये ब्लॉक भी होने वाला है जल्दी। अच्छा, पलार नदी घाटी की बात करते हैं, तो ये जो नदी घाटी है ये आपको कहाँ पर मिलती है, तमिलनाडु के अंदर मिलती है। ठीक है, कौन सी रिवर के ऊपर ये बना हुआ है, पलार नदी आपको यहीं पर मिलती है, इसी नदी के ऊपर इसको बनाया हुआ है, जो कि कोलार जिले के अंदर नंदी दुर्ग से इसका ओरिजिन होता है। ठीक है, तो ये तमिलनाडु के अंदर लोकेटेड है। नेक्स्ट, 2011 के जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत में किस समुदाय का जो लिंगानुपात है वो सबसे कम है। सबसे कम पूछा जा रहा है तो किसका लिंगानुपात था, सिख धर्म का। ठीक है, सिख धर्म का जो लिंगानुपात था ये सबसे कम था। और बात करते कितना, 893, जो कि कुल जनसंख्या का 1.9% था, सिर्फ और सिर्फ। सिख समुदाय जो है वो कुल आबादी के कितने है? हमारे देश में 8.7 लाख है, 2011 की जनगणना के अनुसार बताया जा रहा है। सबसे ज्यादा जो वो क्या है, ईसाई धर्म के लोग हैं। ठीक है, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है इसमें अधिकतम लिंगानुपात है जो कि दर्ज किया गया, कितना, 1009 है, जो कि कुल जनसंख्या का 2.3% है। ओके, नेक्स्ट, निम्न में से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक है, इनमें से कौन है जो कि संतूर बजाते हैं, संतूर वादक हैं, पंडित शिव कुमार शर्मा, उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद बिस्मिल्ला खान या फिर पंडित भीमसेन जोशी। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, पंडित शिव कुमार शर्मा जो है ये संतूर वादक है, ये संतूर बजाते हैं। ठीक है, आज टाइम अप नहीं दिया ना मैंने आप लोगों का, कोई बात नहीं, आज थोड़ा सा टाइम कम है ना मेरे पास क्लास के लिए, इसलिए। देखो, निम्न में से किस संत ने सगुण उपासना का प्रचार किया। एक होता है सगुण उपासना, एक होता है निर्गुण उपासना। जब सगुण उपासना की बात करते हैं तो इसका प्रचार किया था निम्बार्क ने। ठीक है, और निर्गुण उपासना की बात करते हैं तो कबीर, नानक, दादू, इन्होंने निर्गुण उपासना का प्रचार किया था। ठीक है, हाँ जी, समझ आए सभी को। चलो, निम्बार्क जो था समुदाय, इसमें ज्यादा ब्रजभूमि, वृंदावन, नंदीग्राम, बरसाना, गोवर्धन आदि इन सब क्षेत्रों में ये पाए जाते थे। निम्बार्क ये भारत के बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल में पाए जाते थे। नेक्स्ट, इंग्लिश चैनल को तैरने वाली पहली महिला कौन थी। इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली पहली महिला,
पॉइंट टू बी नोटेड, ये नहीं पूछा जा रहा है कि पहली भारतीय महिला कौन थी, सिर्फ इतना पूछा जा रहा है कि पहली महिला कौन थी। तो कौन बताएगा इसका आंसर क्या होगा? नहीं, नेक्स्ट क्लास है ना आज, एक और है इसके बाद में क्लास, तो मुझे थोड़ा जल्दी छोड़ने के लिए बोला गया है। हाँ जी, ओके, ऑप्शन नंबर सी होगा। गलत जवाब है, एक अमेरिकन थी, ठीक है, उनका नाम गेटवर्ड था, उनका गेटवर्ड नाम था, एग्जैक्ट था गेटवर्ड एडरले, गेटवर्ड एडरले नाम था। 19 साल की उम्र में इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली ये पहली महिला बनी थी, ठीक है। और अगर आपसे इंडियन पूछा जाए, पहले इंडियन कौन बने थे, तो मिहिर सेन बने थे इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाले। पहले भारतीय पूछा जाए तो ये कौन बने थे, मिहिर सेन बने थे, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए फर्स्ट वुमेन कौन बनी थी, पहली भारतीय महिला, तो आंसर हो जाएगा आरती साह। कौन बनी थी? आरती साह बनी थी, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर है? हाँ जी, कौन है भैया जो इतने दिल की बरसात किए जा रहा है, मतलब आज ही लुटा देने हैं कि सारे के सारे दिल मुझ पे ही लुटा देने हैं? बचा के रखो भैया किसी के लिए, हाँ बचा के रखो। चलो, कोई दिल भेज रहा है तो कोई नाग भेज रहा है, भगवान बचा ले मुझे। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। तुम लोग इतना कमेंट करते रहते हो तो तुम लोग नोट्स कब बनाते होगे यार, कितना काम रहता है ना तुम लोगों को, बहुत ही ज्यादा बिजी रहते हो। क्लास में कमेंट भी करना होता है, मैडम से भी बात करनी होती है, मैडम की तारीफ भी करनी होती है, इधर उधर लड़कियों से भी बात करनी होती है ना, फिर कंटेंट कब बनाते हो, नोट्स कब बनाते हो तुम लोग, कितना काम करते हो यार, कसम से मुझे तो क्या कहते, बहुत ही हैरानी हो रही है मुझे तो, सच में बहुत ही मेहनती लोग हो, तुमसे ज्यादा मेहनत तो भगवान कोई नहीं करता होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है। नुआखाई ओडिशा का सबसे बड़ा फसल कटाई उत्सव है, जो निम्न में से किस त्योहार के दिन एक दिन बाद मनाया जाता है। नुआखाई फेस्टिवल जो है, जो कि ओडिशा का फेस्टिवल है, और ये मनाया जाता है कब, होली के एक दिन बाद इसको सेलिब्रेट किया जाता है। एक सेकेंड रुक जाओ, गलत है, मुझे लग ही रहा था होली नहीं, गणेश चतुर्थी, सॉरी, ठीक है। नुआखाई फेस्टिवल जो है ये गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद सेलिब्रेट किया जाता है, और ये ओडिशा का फेमस फेस्टिवल है, ठीक है, ओडिशा का फेमस फेस्टिवल है, गणेश चतुर्थी के बाद इसको मनाया जाता है। नेक्स्ट, चावल की फसल होती है, फिर चावल से कुछ बनाया जाता है, फिर वो बांटा जाता है, ऐसे करके सेलिब्रेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के किस राज्य में एक सामाजिक उत्सव छपार मेला आयोजित किया जाता है। छपार मेला जो कि क्या है, एक सामाजिक उत्सव है, तो कौन से स्टेट में इसको मनाया जाता है। कौन बताएगा भाई इसका सही आंसर जो है वो क्या होगा, फटाफट से आंसर करेंगे, विच इज योर करेक्ट आंसर। ओके, आंसर आ रहे ऑप्शन नंबर ए, पंजाब में, बिल्कुल सही आंसर है, पंजाब में मनाया जाता है छपार मेला उत्सव। पंजाब के अंदर एक माघी उत्सव है जो रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया था, ये पंजाब में ही मनाया जाता है। ओके, बाकी गिद्दा जो है यहाँ का फेमस फोक डांस है, गिद्द डांस, ये डांस है जो कि पंजाब में किया जाता है। बाकी धमाल डांस यहाँ पर होता है, ठीक है, भंगड़ा तो आप सभी जानते ही हैं, वो भी पंजाब में किया जाता है, ठीक है। चलो अच्छा, एक टीपरी भी होता है, वो भी पंजाब में किया जाता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, रानी की वाव का निर्माण किस नदी के किनारे पर हुआ था। हाँ जी, आपको बताना है रानी की वाव का जो निर्माण है ये कौन सी नदी के किनारे पर किया जाता है, साबरमती, सरस्वती, नर्मदा या फिर तापी नदी के किनारे पर आपको इसका निर्माण मिलता है, आंसर क्या होगा। और कौन से स्टेट के अंदर लोकेटेड है ये भी बताना है। सेशन को प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, मैंने आपको टारगेट दिया है वो आपको अचीव करना है। गुजरात में,
गुजरात के अंदर पाटन नाम का एक जिला है जहां पर ये लोकेटेड है, पाटन जिला है गुजरात में। यहां पर आपको मिलता है सरस्वती नदी के किनारे पर रानी का वाव, ठीक है, सरस्वती नदी के किनारे पर मिलता है। तो इसे जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने दोबारा से खोज निकाला था, कब, 1980 के अंदर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो है इसकी खोज करी थी, ठीक है। फिर यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया, 2014 के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको डिक्लेयर कर दिया जाता है यूनेस्को के द्वारा। क्लियर है? सो गाइस, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, आज के लिए बस इतना ही करेंगे। अभी किसी को कुछ पूछना हो, किसी का कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, ठीक है, 2 मिनट का समय है आपके पास में। हाँ, मुझे बताइएगा कि रानी का वाव कितने रुपए के नोट पर इसका चित्र आपको देखने को मिलता है। रानी की वाव जो है इसका चित्र कितने रुपए के नोट पर आपको मिलता है। चलो, अच्छा, दिख रहा है आज तो तुम लोगों का प्यार जो इतना सारा भेज रहे हो तुम कमेंट सेक्शन में, दिख रहा बेटा, दिख रहा मुझे, बहुत दिख रहा है। ओके ओके ओके, 10 out of 10 किसका? अनुज, वेरी गुड, ब्रिलियंट। सिद्धार्थ के 7 क्वेश्चन सही हैं आज के, संजय के 8 क्वेश्चन सही है, वीर लहरिया के भी 8 क्वेश्चन सही है, कोई झूठ नहीं बोलेगा। और बताओ जल्दी से, और 100 कौन लिख रहा है ये? हाँ, 10 नंबर का पेपर था, 10 नंबर का टेस्ट था ये पूरा, तो परसेंट लिखो ना सामने। फिर पीयूष के 3 सही हैं, जिनके मार्क्स 5 से कम हैं, ठीक है, या 5 भी हैं, तो उनको क्लासेस रेगुलर लेनी है, एक दिन भी छोड़ना नहीं है, अच्छे से नोट्स बनाने हैं, क्योंकि आप लोगों का थोड़ा ज़्यादा वीक है, तो आप लोगों को थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी है, ठीक है। तो बस अगर आप लोग 3 महीने मेरी क्लासेस ले लेते हैं स्टैटिक GK की, तो भी आपकी GS जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रोंग हो जाएगी, बस आपको रेगुलर क्लासेस में आना है। ओके, चलो, अच्छा, तो रानी की वाव का जो चित्र है ये कितने रुपए के नोट पर आपको मिलता है? 100 रुपए के नोट पर मिलता है, ठीक है। अब मिलते हैं हम आप नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच गाइस, हैव ए गुड डे। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर देना, और अड्डा 24/7 भी, अगर आप कोई भी बैच परचेज करना चाहते हैं तो, और आपको अगर मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए, 78% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप एक कूपन कोड यूज करते हैं Y774, ठीक है। ये जो कोड है इसको आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं, अड्डा 24/7 का कोई भी बैच, किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी एग्जाम का कोई भी बैच परचेज कर सकते हैं। इस कोड से आपको 78% का डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है। चलो, अब आपसे मुलाकात करेंगे हम कल सुबह करंट अफेयर वाली क्लास में, सुबह 8 बजे। सो हैव ए गुड डे एंड बाय बाय।